शहर में चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं पहला मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के मालवीय नगर का है, जहां नशे का आदि साजिद ने एक सुने मकान में घुसकर करीब 2 लाख रुपए के सोने के जेवर सहित नकदी लेकर फरार हो गया था। पूरी चोरी की घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की मदद से चोर को पकड़कर उसके कब्जे से चोरी किया गया माल बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया है। ये चोरी की वारदातें हो रही थी मालवीय नगर में, तो वहाँ पे 2-3 जगह की घटनाओं के हमने अलग अलग फुटेज कलेक्ट किए थे। तो उन फुटेज में एक जो फुटेज मिला था उसमें रिसेम्बलेंस एक जो यहाँ का पुराना छात्र चोर है उससे मिलता जुलता चेहरा लग रहा था, जिसके आधार पर हमने जो पुराने चोर थे उनसे उनका रिसेम्बलेंस कराया। तो एक साजिद नाम का जो चोर था उससे उसकी चेहरा मिल रहा था। फिर तो साजिद को जब पकड़ा, उससे पूछताछ की, तो उसने ये चोरियाँ स्वीकार की और उसके पास से जो मालवीय नगर में फरियादी के घर से जो सोना चांदी और नगद चुराया था वो भी बरामद किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उसे जेल भेजा गया है। तो कितने का लाख माल बरामद हुआ? लगभग अभी तक उससे जो माल मिला था सोना चांदी 2 लाख का था और नगद करीब 15,000 के करीब। उसने काफ़ी चोरियां करी है पहले भी। वो चोरी के केस में जब बंद हुआ था तभी 8 दिन पहले ही छूट के आया था और फिर उसने 3-4 चोरियां कर दी थी। आरोपी साजिद पिता इस्लाम, ये निवासी कृष्ण बाग का रहने वाला। सर इसके साथ कोई गेम या इस प्रकार के? ये वैसे साथ में करता है चोरी, पर अभी फिलहाल में इसने ये जो चोरियां अकेले की थी क्योंकि जेल से बाहर आया था, इसका कोई साथी नहीं बन पाया था और नशे का आदि है। नशा करने के लिए ये तुरंत वारदात करता है, इसी आधार पर इसको पकड़ा। वहीं दूसरी चोरी की घटना हीरानगर थाना क्षेत्र के मेघदूत नगर की है, जहां चोरों ने एक सोने फ्लैट को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए नकदी के साथ सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए। तीसरी घटना कनाड़िया थाना क्षेत्र की है, जहां चोरों ने एक मल्टी में धावा बोलते हुए सोने फ्लैट को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी कर फरार हो गए। वहीं घर के पास लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। पुलिस तीनों जगह के मामले दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं तीनों थाना क्षेत्रों की पुलिस की रात्रि गश्त पर भी कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि रात्रि गश्त होने के बावजूद चोर इतनी सफाई से चोरी कर कैसे फरार हो रहे हैं।